हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक के बारे में। यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आज के डेट में पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा से ज़्यादा यंग एज में हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। पहले के कंपैरिजन में हार्ट अटैक का प्रेवलेंस बढ़ा भी है। उम्र दराज पे लोगों में पहले ज़्यादा देखा जाता था, लेकिन आज के डेट में पहले के कंपैरिजन में 20 साल 25 साल 30 साल इस एज में भी हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। इसके कारण क्या है, इसको क्यों होता है, किस तरह से ये बढ़ता है, क्या रिस्क फैक्टर्स है, उस बारे में हम बात करेंगे और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पहले का जैसा कॉन्सेप्ट था, अगर उस कॉन्सेप्ट को आज लोग मान के चलते हैं कि हार्ट अटैक उम्र दराज लोगों की बीमारी है, तो इस एज में अगर कोई भी यंग पेशेंट आपके पास छाती में दर्द लेके आता है तो कई बार डॉक्टर्स भी मिस कर देते हैं, कई बार डॉक्टर्स भी प्रॉपरली पेशेंट को इवैल्यूएट नहीं करते, मिस आउट हो जाता है और बाद में पता चलता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया था। इसलिए जानना जरूरी है कि हार्ट अटैक यंग एज में भी आज के डेट में मिलता है और किन कारणों से होता है, उस बारे में अगर हम इस समझ रहेगी तो बेसिकली हम उन कारणों को अगर अवॉइड कर सके तो हार्ट अटैक का चांसेस कंपेरेटिवली हम कम कर सकते हैं। सबसे पहले हार्ट अटैक क्या है? बेसिकली हार्ट अटैक हार्ट की नली की ब्लॉकेज की बीमारी है, जिसमें हार्ट की नली सडनली बंद हो जाती है और जो एरिया को वो नली ब्लड सप्लाई करती है उस एरिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाता है, सेल्स मरना चालू हो जाते हैं। 30 मिनट के अंदर इस टिश्यू पर डैमेज चालू हो जाता है, 12 घंटे में डैमेज कंप्लीट हो जाता है। हार्ट अटैक एक खराब बीमारी है जिसमें टाइम का ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हर 30 मिनट जो ट्रीटमेंट में डिले होता है, मृत्यु का चांस स्टडीज के हिसाब से 7.5% के हिसाब से बढ़ते जाता है। तो ये घातक बीमारी है, डेंजरस बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, लेकिन ट्रीटेबल बीमारी है। अगर इसको सही समय पर सही तरह से ट्रीटमेंट किया जाए तो ज़्यादातर लोगों को बचाया जा सकता है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे और यंग लोगों में हार्ट अटैक के कारण होते हैं, किन कारणों से आजकल यंग लोगों में हार्ट अटैक ज़्यादा देखने को मिल रहा है उस बारे में बात करेंगे। बेसिकली यंग पेशेंट्स में जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि हार्ट अटैक कम देखा जाता है इसलिए मिस भी ज़्यादा होता है। जब भी कोई यंग पेशेंट छाती का दर्द लेके आता है और खासकर तब जबकि दर्द एटिपिकल होता है, यानी कार्डियक पेन जैसा नहीं लगता है, तो कई बार डॉक्टर्स भी पेशेंट को डिटेल में इवैल्यूएट नहीं करते और पेशेंट का दर्द नॉन कार्डियक या मस्कुलर पेन बोल के मिस हो जाता है, जबकि पेशेंट को मेजर हार्ट अटैक आ जाता है और उसके बाद सडनली पेशेंट की जान का खतरा हो जाता है, या अगर जान बच भी जाए तो भी हार्ट का पंप फंक्शन इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि फ्यूचर के लिए वो काम करने के लिए पेशेंट को तकलीफ हो जाती है, लाइफ टर्म के लिए वो एक तरह से हैंडीकैप्ड हो जाता है। तो इसलिए इस बीमारी को समझना जरूरी है और यंग पेशेंट्स में क्या रिस्क फैक्टर्स है उस बारे में जानना जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, हार्ट अटैक ज़्यादातर प्रिडोमिनेंटली मिडिल एज या एल्डरली लोगों की बीमारी है। ज़्यादातर इसका प्रेवलेंस 40 से 60 70 की एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। यंग पेशेंट्स में मिलता है लेकिन कंपेरेटिवली चांसेस कम है। हार्ट अटैक में नलियों में ब्लॉकेज की डिपोजिशन जो है वो धीरे धीरे बहुत छोटी उम्र से चालू हो जाती है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ ने तो ये भी शो किया है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब भी नली में कोरोनरी आर्टरीज में प्लैक्स डिपोजिशन होना चालू हो जाते हैं। तो फाइब्रोफैटिक प्लैक्स जो है, जिसे जो इसे कहा जाता है, ये नलियों में माँ के पेट में भी डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि 20-25 साल की आयु में हार्ट अटैक नहीं कर सकता, बस ये कि कोलेस्ट्रॉल जमा होने का प्रोसेस थोड़ा स्लो रहता है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को ये हार्ट अटैक 30-40 साल के आयु के बाद आता है। यंग पेशेंट्स में जिनको फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकिंग है, अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल स्ट्रेस है या इस तरह के रिस्क फैक्टर्स है, वैसे लोग को कंपेरेटिवली हार्ट अटैक ज़्यादा जल्दी देखने को मिलता है। यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स के हमने बारे में बात की। जिन लोगों को भी फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज, प्रेशर, स्मोकिंग है, अल्कोहल लेते हैं, टोबैको च्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इस तरह के रिस्क फैक्टर्स ज़्यादातर यंग लोगों में हार्ट अटैक का कारण होते हैं। ज़्यादातर इसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर यानी कि जो चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इस तरह की चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं और उनको कंट्रोल करने से लाइफस्टाइल में जो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है वो कंपेरेटिवली कम किया जा सकता है। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, जैसे एज, सेक्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स या कोई जेनेटिक इश्यूज हैं किसी को, तो उस तरह की चीज़ों को मॉडिफाई नहीं कर सकते। और वैसे चीज़ों में नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की वजह से अगर किसी को हार्ट अटैक आता है उसमें ज़्यादा कुछ हम नहीं कर सकते प्रिवेंट करने के लिए। हाँ, लेकिन ऐसे केसेस में भी जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स अगर उनको हम कंट्रोल करते हैं तो हार्ट अटैक का प्रेवलेंस कुछ हद तक कम कर सकते हैं। स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है और ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना गया है। इनफैक्ट मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी मैंने यंग पेशेंट्स हार्ट अटैक के लिए देखे हैं, मैंने इनफैक्ट 17-18 साल में भी यहाँ लोगों को हार्ट अटैक आते देखा है और एंजियोप्लास्टी की है,
ज़्यादातर मैंने जो भी यंग पेशेंट्स देखे हैं जिनको हार्ट अटैक आता है, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, और ज़्यादातर ये यंग पेशेंट्स में, मेल पेशेंट्स में खासकर अगर हार्ट अटैक आता है तो स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये बिल्कुल किताबी बातें हैं कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, स्मोकिंग से हार्ट अटैक होता है, ये डॉक्टर्स और ये गवर्नमेंट वाले आपको सिर्फ डराने के लिए बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक्चुअल रियलिटी है। अस्थमा की प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर का प्रॉब्लम और बहुत सारे विकृतियां जो है या बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो स्मोकिंग से एक्चुअली होते हैं, और ये कोई आपको डराने के लिए झूठ बोल रहा है ऐसा नहीं है। यंग पेशेंट में स्मोकिंग सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है। फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जिन लोगों के भी परिवार में बहुत लोगों को हार्ट अटैक आया है, ऐसा नहीं है कि उस परिवार में हर यंग व्यक्ति को हार्ट अटैक आएगा ही, लेकिन हाँ उनको हार्ट अटैक आने का चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाता है, उसमें हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारियों की होने की पॉसिबिलिटी कई गुना ज़्यादा होती है। पर हाँ, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ये हैं, इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, पर ऐसे लोगों में भी अगर आप जो चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो उनको अगर आप मॉडिफाई करते हो तो कंपैरेटिवली हार्ट अटैक का चांस कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे अगर कोई यंग व्यक्ति हार्ट अटैक लेके आता है तो वैसे केसेस में क्या करना चाहिए और उसमें किस तरह की डिफरेंस होता है उम्र दराज पेशेंट और यंग पेशेंट की हार्ट अटैक में, उस बारे में। सबसे पहले तो अगर कोई हार्ट अटैक लेके आता है तो जैसे कि रूटीन प्रोटोकॉल है, सब पेशेंट्स का ECG करना चाहिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी हार्ट के करंट की एक टेस्ट है, जिसमें 80-90% केसेस में मेजर हार्ट अटैक पिकअप हो जाता है। 5-10% केस में हार्ट अटैक मिस भी हो सकता है ऐसे केस में, लेकिन एटलीस्ट 80-90% प्रेडिक्टिव वैल्यू ECG का रहता है। इसके बाद ऐसे पेशेंट्स में अगर ECG में पिकअप नहीं हो रहा है या डाउटफुल फाइंडिंग्स है तो इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं। इकोकार्डियोग्राफी बेसिकली हार्ट की सोनोग्राफी है, जो कि हार्ट में अल्ट्रासाउंड की रेडिएशंस के माध्यम से हम हार्ट के स्ट्रक्चरल डिजीज को असेस करते हैं, हार्ट के वाल्व की कंडीशन, हार्ट का पंप फंक्शन, ये सब चीजें असेस करते हैं। अगर इस पे डाउट डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है तो कंफर्मेशन के लिए हम फर्दर एक एंजियोग्राफी करते हैं, नहीं भी कंफर्म होती है तो भी कंफर्मेशन के लिए ज्यादातर पेशेंट में हमें एंजियोग्राफी करना पड़ता है, जिससे कि बीमारी 100% कंफर्म हो जाती है। अगर किसी पेशेंट में बहुत डाउटफुल है और ECG को बिल्कुल नॉर्मल है तो हम स्ट्रेस टेस्ट यानी ट्रेडमिल टेस्ट कर सकते हैं, और अगर ये ट्रेडमिल टेस्ट नॉर्मल आता है तो लगभग 70-80% केसेस में हम हार्ट की बीमारी को रूल आउट कर सकते हैं। पर हाँ, ट्रेडमिल टेस्ट की प्रेडिक्टिव वैल्यू 100% नहीं होती, और माइनर अटैक्स को ही कई बार मिस भी कर सकता है, माइनर ब्लॉकेजेस को भी मिस कर सकता है, क्रिटिकल ब्लॉकेज और क्रिटिकल लेजेंस जो है उनको ये प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन उसमें भी प्रेडिक्टिव वैल्यू 70-80% से ज्यादा नहीं है। ज्यादातर यंग पेशेंट्स में जो हार्ट अटैक आते हैं वो क्लॉटिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। कभी कभार ये होमोसिस्टीन और प्रोटीन सी, प्रोटीन एस फैक्टर, फाइलेडन म्यूटेशन, इस तरह की चीजों की वजह से भी हार्ट अटैक आते हैं। पर ये सारे रिस्क फैक्टर्स को असेसमेंट करने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हार्ट अटैक में ये सारे फैक्टर्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन आते भी हैं, और अगर आते हैं तो इनका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। ये सब में अगर ना भी टेस्ट किया जाए ये सारे फैक्टर्स को तो चलता है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स के हिसाब से ट्रीटमेंट करने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। ये रिस्क फैक्टर्स इस तरह के क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से हार्ट अटैक आने का चांस कंपैरेटिवली कम होता है। ज्यादातर जिनको भी आता है वो स्ट्रेस रिलेटेड हार्ट अटैक या स्मोकिंग रिलेटेड हार्ट अटैक या कोई दूसरे डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स की वजह से हार्ट अटैक होने का चांस ज्यादा है, जेनेटिक कंपोनेंट के होने का चांस ज्यादा है, लेकिन कंपैरेटिवली ये फैक्टर 5 म्यूटेशन या प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, होमोसिस्टीन, ये सब की वजह से हार्ट अटैक होना कंपैरेटिवली लेस कॉमन है, और इसके लिए हर पेशेंट में इवैल्यूएट करने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एटलीस्ट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में बहुत ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ता है। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। बेसिकली क्योंकि ज्यादातर यंग पेशेंट्स की नलियों में ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा नहीं होते, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बहुत ज्यादा नहीं होता, कई पेशेंट्स को सिर्फ क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक आता है, नली में सिर्फ ब्लड का थक्का जमा होता है इसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, तो इसलिए काफी पेशेंट्स में अगर आप सिर्फ एंजियोप्लास्टिंग के दौरान स्टेंट ना डालें, सिर्फ बलून करके नली को खोल दें या सिर्फ खून पतला करने की दवा ही दे दें तो कई बार काफी पेशेंट्स के लिए सफिशियंट होता है। कई पेशेंट्स के लिए हमें एंजियोप्लास्टी में स्टेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्टेंट का बेसिकली पर्पज ये है कि वो कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेजेस को साइड में करने के लिए, हटाने के लिए बेसिकली काम आता है। जहां नलियों में सिर्फ क्लॉट है या नलियों में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन उतना नहीं है, वहां पे कई बार बिना स्टेंट के भी काम चलाया जा सकता है। हालांकि इवन क्लॉट को जेल करने के लिए या क्लॉट को बाइंड करने के लिए भी कभी कभार स्टेंटिंग करना पड़ता है। अगर क्लॉट अपन एस्पिरेशन वैक्यूम से अगर करते हैं तो नहीं निकलता है, या ब्लड क्लॉटिंग को घोलने वाले इंजेक्शन अगर हम देते हैं उससे भी अगर डिजॉल्व नहीं होता है तो वैसे केसेस में हम कई बार स्टेंट करके भी उसको जेल कर सकते हैं क्लॉट को। उसमें क्या होता है कि क्लॉट को हम साइड की दीवारों से जैम कर देते हैं, उसको फंसा देते हैं वहां पे ताकि वो हिल ना पाए और धीरे धीरे करके ब्लड में वो घुल जाए।
ज्यादातर यंग पेशेंट में क्योंकि कोमॉर्बिड कंडीशंस यानी बीमारियां बहुत ज्यादा नहीं होती है, ये काफी एथलेटिक या फिट लोगों में अगर अगर हार्ट अटैक आता है तो उसमें अगर एक बार हार्ट अटैक के अक्यूट फेज में से या क्राइसिस फेज में से पेशेंट निकल जाए तो लॉन्ग टर्म रिस्क कंपेरेटिवली कम होता है। जो लोग उम्र दराज होते हैं इसमें रिस्क फैक्टर्स अगर ज्यादा होते हैं, मल्टीपल कोमॉर्बिड कंडीशन होते हैं, उनके कंपैरिजन में यंग पेशेंट्स में मोर्टैलिटी का चांस कम होता है। दवाइयों के रिएक्शंस वगैरह होने का चांस या दवा से सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग होने का चांस या कॉन्ट्रास्ट वगैरह रिलेटेड किडनी वगैरह का डैमेज होने का चांस, ये सब चीजें कंपेरेटिवली यंग पेशेंट में कम देखने को मिलती है। यंग पेशेंट्स में अगर हार्ट अटैक के अक्यूट फेज में से पेशेंट बाहर निकल जाए तो मोस्टली लॉन्ग टर्म इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं आती है, मैनेजमेंट करना कंपेरेटिवली ईजी पड़ता है। कभी कभी यंग पेशेंट्स में जहां सिर्फ क्लॉट होता है या कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ज्यादा नहीं होता है वहां स्टेंट्स करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म्स में ये स्टेंट्स नली की मोबिलिटी को थोड़ा अफेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ स्टडीज ने शो किया है, हालांकि कोई बहुत बड़ी स्टडीज नहीं है। तो इसलिए यंग पेशेंट में जहां 15-20 साल में किसी को अगर हार्ट अटैक आता है तो वहां कंपेरेटिवली हम कभी कभार स्टेंट्स का यूजेज अवॉइड करते हैं। हालांकि ये डिसीजन फुल्ली टेक्निकल होता है और अलग अलग केस में उसकी कंडीशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि स्टेंट करना है या सिर्फ बलून करना है, पर ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब भी हम स्टेंट करते हैं तो एटलीस्ट इमीडिएट रिजल्ट बेटर मिलता है। लॉन्ग टर्म स्टेंट्स नलियों के मोशन को और मोबिलिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं इस बारे में कोई बहुत बड़ी स्टडी नहीं है, और ऐसा कोई भी स्टडी ये नहीं शो करती है कि ये मोशन अगर स्टेंट का मूवमेंट अगर इफेक्ट होता है नली का तो उससे कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होता है पेशेंट को। तो इसलिए अगर यंग पेशेंट में भी स्टेंट कर रहे हैं तो ऐसा पेशेंट को नुकसान है वैसा नहीं है, एटलीस्ट साइंटिफिक डेटा ऐसा नहीं है जो इसको सपोर्ट करता है कि किसी को नुकसान है, पर फिर भी अगर एज फार एज पॉसिबल अगर किसी के 15-20 साल में किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम कोशिश करते हैं कि बगैर स्टेंट से बलून से काम चल जाए। पर हाँ, ये चीज 25-30 साल के बाद एप्लीकेबल नहीं होती क्योंकि इसी एज के बाद ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन नलियों में मिलना चालू हो जाता है। ये फैक्टर जो है खाली 10-15 साल या 20 साल की आयु में अगर कोई होता है तो ही उसके लिए एप्लीकेबल है। जैसा कि हमने कहा कि कई बार हम कोशिश करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लॉकेज ना हो तो खून पतला करने वाले इंजेक्शन वगैरह से भी हम नलियों को खोलने का ट्राई करते हैं, पर ये खून पतला करने की जो इंजेक्शन है दवाइयां हैं उनका असर बहुत लिमिटेड होता है। जो फर्स्ट जनरेशन लाइटिक एजेंट्स होते हैं जो कि थोड़े सस्ते आते हैं, इनका सक्सेस रेशियो खाली 30% जैसा रहता है, और जो थर्ड जनरेशन यानी अच्छे एडवांस लाइटिक एजेंट्स रहते हैं उनका सक्सेस रेशियो खाली 50% रहता है, वो भी अगर पहले 3 या 4 घंटे में दिया जाए तो। जबकि जो एंजियोप्लास्टी है उसमें नली के खुलने का यह सक्सेस रेशियो ऑलमोस्ट 95-99% रहता है, यानी एंजियोप्लास्टी अगर हम डायरेक्टली करते हैं तो नली खुलने की ऑलमोस्ट गारंटी रहती है, लेकिन हाँ इंजेक्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब एंजियोप्लास्टी वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है या बहुत यंग पेशेंट हो जहां हम एंजियोप्लास्टी नहीं करना चाहते हैं या सिर्फ दवा से ट्राई करना चाहते हैं, वैसा हम कर सकते हैं, पर सक्सेस रेशियो यूजली दवा से कंपेरेटिवली कम होता है। कभी कभार किसी किसी जन्मजात विकृति वाले बीमारियों में नलियों में अगर दबाव आ जाए, जैसे जिसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज बोलते हैं, उसमें नलियों में अगर कंप्रेशन आ जाए या नलियों में क्रैक पड़ जाए या कुछ इन्फ्लेमेशन वाली बीमारी होती है जैसे एओटो आर्थराइटिस वगैरह, उसमें नलियों में अगर सूजन आ जाए तो भी हार्ट अटैक क्रिएट हो सकता है। इनका भी यूजली मैनेजमेंट बाकी हार्ट अटैक जैसा ही किया जाता है। लॉन्ग टर्म जिस तरह की विकृति है उसके हिसाब से थोड़ा लास्ट फॉलोअप में मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी थोड़ा चेंज हो सकता है। अब बात करेंगे प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्ट अटैक। प्रेगनेंसी में भी क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसीज थोड़ी बढ़ जाती है तो इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी हार्ट अटैक का चांस कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा रहता है। प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्ट अटैक के बारे में हमने ऑलरेडी एक सेपरेट टॉपिक किया जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, यहाँ बेसिकली जिस्ट के बारे में स्मॉल में जिस्ट देंगे इस बारे में। प्रेगनेंसी में क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है तो सडनली हार्ट अटैक लोगों को आ सकता है, ज्यादातर सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है। कभी कभार नलियों में अगर कोई खिंचाव या तनाव की वजह से नलियों का इलास्टिक फाइबर अगर वीक हो तो नली में डिसेक्शन या क्रैक डेवलप हो सकता है, उसके वजह से भी नलियों में हार्ट अटैक आ सकता है। ये सब चीजों का चांस काफी कम है आज के डेट में, जहां फीमेल पेशेंट्स काफी मिडिल एज या एल्डरली पेशेंट्स में भी लोग प्लान करके प्रेग्नेंट हो रहे हैं या प्रेगनेंसी IVF वगैरह से कर रहे हैं, तो वैसे पेशेंट्स में जो एज फैक्टर है वो वर्क नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई अपने नेचुरली प्रेग्नेंट होता है 20-25 साल की आयु में तो एज के रिलेटेड हार्ट अटैक नहीं उनमें देखने को मिलता, पर जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ते जाती है और उसके बाद अगर वो प्रेगनेंसी करवाते हैं तो कंपेरेटिवली वैसे लोगों में हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल हार्ट अटैक के साथ आती है तो वैसे भी हम खून पतला करने का इंजेक्शन देते हैं, इससे थोड़ा सा बच्चे की जो प्लेसेंटा वगैरह वहां पर भी थोड़ा ब्लीडिंग का चांस रहता है, पर इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो वहां एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी किया जा सकता है, लेकिन जो रेडिएशन हम करते हैं इस एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के दौरान उससे बच्चे को डैमेज हो सकता है, माँ को नुकसान हो सकता है, इसलिए ज्यादातर हम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी अवॉइड करते हैं।
सिर्फ खून पतला करने की दवाई या इंजेक्शन के द्वारा हम इस तरह को पेशेंट्स को मैनेज करने का ट्राई करते हैं और उसके बाद भी हम मिनिमम खून पतला करने की दवा पर ही पेशेंट्स को कंटिन्यू रखते हैं। स्पॉन्टेनियस डिसेक्शन के बारे में लास्ट में बात करेंगे। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि नलियों में कोई कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ना हो, सिर्फ नली में एक तरेड़ पड़ जाए या क्रैक हो जाए, इसकी वजह से भी नली में हार्ट अटैक आ सकता है। ये कुछ डिजीजेज जहां पे नली का इलास्टिक फाइबर थोड़ा खराब रहता है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है, पर कई बार स्पॉन्टेनियस डिसेक्शन बिना कारण से भी नली में हो सकता है। जो नली जो पेशेंट को पहले कोई और रिस्क फैक्टर ना रहा हो वैसे में भी हो सकता है। स्मोकर्स में ये कंपेरेटिवली ज्यादा देखा जा सकता है और हार्ट अटैक का ये इंपॉर्टेंट कारण है यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक होने का। अगर ऐसा हार्ट अटैक आपको मिल रहा है और वहां नली में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन नहीं है तो नली को आप सिर्फ बलून करके ओपन कर सकते हैं। कभी कभार अगर क्रैक बहुत ज्यादा हो तो वहां स्टेंट करके उसकी लेयर्स को चिपकाया जा सकता है, उससे हीलिंग थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। ये स्पॉन्टेनियस डिसेक्शन रिलेटेड हार्ट अटैक अगर नहीं भी स्टेंट वहां पे करे तो ऑलमोस्ट 3-4 महीने में ज्यादातर केस में थोड़ा इंप्रूवमेंट आ जाता है, नलियों अपने आप हील भी हो जाती है। इसलिए कई बार ऐसे केस में स्टेंट अवॉइड भी करे तो चलेगा, हालांकि इसके लिए कोई बहुत लॉन्ग टर्म डेटा अवेलेबल नहीं है। हमारे इस टॉपिक का बेसिक पर्पज ये है कि हम हार्ट और हार्ट रिलेटेड बीमारियों के बारे में हम लोगों के बारे में लोगों के सामने अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं ताकि उनको बीमारियों के बारे में पता रहे और वो बीमारियों के डिसीजन मेकिंग के लिए सिर्फ डॉक्टर्स और उनके और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसका फॉलो करने से कई बार फायदा होने के बदले नुकसान भी हो सकता है। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको लगता है कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो इसका वीडियो का लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक के बारे में हमें डिस्कशन करनी चाहिए अपने चैनल पर तो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में बताएं ताकि हम सब्सिक्वेंट वीडियोज में उन्हें कवर कर सकें।